हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड आप देख रहे हैं शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने ब्लाउजेस को, इफ़ यू आर अ बिगिनियर एंड अपने वॉर्डरोब को बिल्ड कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपने ब्लाउजेस के साथ में साड़ी को मिक्स मैच कर सकते हैं। फॉर मी, जो मेरे लिए काम करता है, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हो सकता है आप लोगों के पास इससे भी कुछ यूनिक आइडियाज़ हो, सो आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बट मेरे लिए इसमें से, मतलब जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरे लिए बहुत यूनिक है एंड ये ट्रिक हमेशा मेरे लिए काम करता है कि साड़ी को ब्लाउज के साथ में किस तरीके से मिक्स मैच कर सकते हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, इसमें से जो भी आइडियाज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लिए नए आइडिया है। हो सकता है आप लोगों को ये आइडियाज पहले से पता है। तो सबसे पहला टिप मैं आपको यही दूंगी कि अगर आपके पास में कोई साड़ी है एंड उसकी मैचिंग का ब्लाउज आपके पास में नहीं है, सपोज ये साड़ी मैंने कुछ दिन पहले ली थी मीशो पे, अगर आप देखना चाहते हैं कैसी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, मस्ट चेकआउट वीडियो है। तो इस साड़ी का जो ब्लाउज है इसके साथ ही आया था, बट मैंने इसको स्टिच नहीं करवाया। बट यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक न्यू आइडिया देना चाहती हूँ। सपोज दो ट्रेडिशनल प्रिंट, जैसे गुजरात के प्रिंट एंड राजस्थान के प्रिंट, या फिर केरला के प्रिंट एंड गुजरात के प्रिंट, इस तरह से दो डिफरेंट रीजन के जो प्रिंट होते हैं ना, आप उसको साड़ी के साथ में बहुत ही इजीली मिक्स मैच कर सकते हो। कुछ दिनों पहले डॉली जैन जी ने ये पोस्ट शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे एंड आई जस्ट फेल्ट लव विद दिस लुक। मेरे लिए ये नहीं बोलूंगी कि नया था, क्योंकि ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था। मेरी फाइलें जो है क्रैश हो गई, नहीं तो मैं शेयर करती कि मैं हमेशा दो डिफरेंट रीजन के प्रिंट्स को आपस में मिक्स मैच करती हूँ। एंड ये बिल्कुल एक नया एंड यूनिक आइडिया है अपने साड़ीज के साथ में ब्लाउज को मिक्स मैच करने का। तो किस किस फ्रेंड को ये आइडिया पता था, मुझे जरूर बताइए। ये साड़ी में सरस्वती पूजा आउटफिट सीरीज आप चेक कर सकते हो, शॉर्ट्स के थ्रू गई है एंड सरस्वती पूजा हैक्स भी मैंने शेयर किया है, उसको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड हो या फिर कोई जो मेरी छोटी छोटी बहनें हैं वो इंटरेस्टेड हो, स्कूल में आप जाती हूँ तो चेक कर सकते हो। साड़ी हैज मल्टीपल कलर्स, मतलब इस साड़ी के ऊपर कितने सारे कलर है, ऑरेंज, येलो, प्राणी कलर देख लो, तो बहुत सारे कलर है। तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी साड़ी में अगर बहुत सारे कलर है तो आप उसमें से एक कोई भी कलर पिक कर सकते हो, बस जो डोमिनेटिंग कलर है उसको आपको अवॉइड करना है। अगर आप अपनी साड़ी को हाईलाइट करना चाहते हो बट आपको एक मोनोक्रोमैटिक लुक चाहिए तो आप साड़ी के बेस कलर को चूज कर सकते हो, बट आपको एक हाईलाइटेड पार्ट चाहिए तो साड़ी का बेस कलर को छोड़ के आप अपनी साड़ी में से कोई भी कलर को पिक कर सकते हो। देखो, मैंने इसमें से जो है मजेंडा पिंक को चूज करा है, मतलब रानी पिंक जो है उसको चूज करा है एंड उसके साथ पेयर किया है एंड कम्स आउट ग्रेट। तो आप देख रहे हो कि कैसा आया है। तो इस तरीके से भी आप अपने साड़ी एंड ब्लाउज को मिक्स मैच कर सकते हो। कॉमन आइडिया है एंड हम सब ने, मतलब इसको मल्टीपल टाइम्स अपने साड़ी एंड ब्लाउज को मिक्स मैच करने के लिए अप्लाई किया होगा। आप अपनी साड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर को चूज कर सकते हैं या फिर कंट्रास्ट कलर को चूज कर सकते हैं। यस, इसी ऑरेंज साड़ी की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑरेंज है, तो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है येलो। येलो एंड ऑरेंज हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, खिल के आते हैं, ब्राइटन अप करते हैं आपके फेस को। बट अगर आप ऑरेंज के साथ और भी कंट्रास्ट प्ले करना चाहते हो तो ऑरेंज एंड ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप अपनी साड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री ब्लाउज को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप, आप अपनी साड़ी को अपने ब्लाउज के साथ में उसकी बॉर्डर के साथ भी मिक्स मैच कर सकते हो। बट मैं एक छोटा सा टिप आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी, फील फ्री टू स्टाइल। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, ऑलवेज आप उसको स्टाइल कर सकते हो। बट आई एम हेयर टू शेयर माई आइडियाज विद यू। आप अपनी साड़ी के बॉर्डर के साथ अपने ब्लाउज को मिक्स मैच करना चाहते हो, एक पॉइंट को माइंड में रखो कि अगर आपकी साड़ी का बॉर्डर बहुत ब्रॉड है, लाइक इट हैज अ ब्रॉड बॉर्डर, तो उसको आप अवॉइड करो कि उसके बॉर्डर के साथ पे अपने ब्लाउज को मिक्स मैच मत करो, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ना फिर क्या होता है, जब पल्ले को हम सेट करते हैं तो अगर ब्लाउज का कलर एंड ब्रॉड बॉर्डर वाली साड़ी की जो बॉर्डर रहती है कलर सेम रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत क्लैश करता है एंड उतना स्टैंड आउट होके नहीं आता है। बट अगर आपकी साड़ी में बिल्कुल थिन बॉर्डर है, सो डेफिनेटली आग बंद करके आप अपनी साड़ी के बॉर्डर के साथ में अपने ब्लाउज को मिक्स मैच कर सकते हैं। आपको दूंगी कि आपके पास में कोई बिजी प्रिंट का अगर मतलब साड़ी है, देखो जैसे ये साड़ी कुछ दिनों पहले मैंने ऑफलाइन परचेज की है, मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी तक मैंने इसका ब्लाउज नहीं बनवाया है। तो मैं प्लान कर रही हूँ किस तरीके
खिड़की का बनवाओ, बट दिस साड़ी हैज सो मेनी ब्राइट कलर्स लाइक पिंक, ब्लू, ग्रीन. तो इसके साथ अगर मैं कोई प्रिंटेड ब्लाउज को ही मतलब मिक्स मैच करूँगी तो मे बी वो अच्छा लगे. दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा. तो इसके साथ अगर मैं बिल्कुल प्लेन ब्लाउज को लाइक पेयर करूँगी, बिल्कुल सॉलिड ब्लाउज को, तो वो बहुत ही सुंदर एंड स्टैंड आउट होके आएगा. सपोज इसमें से अगर मैं इसमें बात करूँ तो इसमें मुझे लग रहा है कि डोमिनेटिंग कलर रानी है या फिर ब्लू है. बट अगर आप सॉलिड के साथ प्ले करना चाहते हो तो जो डोमिनेटिंग कलर है उसको ही आप चूज करो, लाइक ब्लू. मतलब ब्लू बहुत उठ के आ रहा है साड़ी में. सॉलिड ब्लाउज इसके साथ चूज करूंगी, लाइक ब्लू को चूज करूंगी, तो बहुत ही सुंदर लगेगा. तो बिजी प्रिंट के साथ, हमेशा बिजी प्रिंट की जो साड़ियाँ रहती है, आप कोशिश करो कि उसके साथ आप सॉलिड ब्लाउज को प्रिफर करो एंड सॉलिड ब्लाउज को ही कस्टमाइज करवाओ. सपोज आपने एक कलर को चूज करा है, कोई भी एक सॉलिड कलर की साड़ी पहन रहे हो, सपोज आपने ब्लू कलर की साड़ी पहनी है एंड ब्लू के साथ आप कोई ब्लाउज को मिक्स मैच करना चाहते हो, कंट्रास्ट में प्ले करना चाहते हो, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपके ब्लाउज में कुछ तो तड़का हो ना. जैसे दाल में जब तक हम तड़का नहीं लगाते स्वाद वैसा नहीं आता है, तो उसी तरह कपड़ों में क्या आप तड़का लगा सकते हो कि क्राउड से वो ऊपर उठ के आए. तो सपोज आपने ब्लू के साथ में रेड को कंबाइन करा, या फिर टोटली ऐसा कलर के साथ प्ले करना चाहते हो जो आपने पहले कभी उसके साथ प्ले नहीं करा, लाइक ब्लू के साथ आप बेबी पिंक को आप चूज कर रहे हो. बट क्योंकि अगर आप अपना ब्लाउज कस्टमाइज करवा रहे हो तो ब्लू के साथ अगर आप बेबी पिंक को चूज कर रहे हो तो उसके ऊपर मैं कोशिश करूँ कि फ्लावर जो है वो ब्लू के ही हो. मतलब बोल्ड फ्लावर प्रिंट या कोई भी फ्लावर प्रिंट हो या फिर किसी भी तरह का प्रिंट हो, बट साड़ी का जो बेस कलर है ना उसी के प्रिंट ब्लाउज के ऊपर हो. सबसे ये एक आप इमेज देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइक येलो कलर की इन्होंने साड़ी पहनी है, उसके साथ पिंक कलर को इन्होंने कंट्रास्ट में प्ले करा है. फ्लावर अगर आप देखोगे ना ब्लाउज के ऊपर जो प्रिंट है, सिमिलर कलर के प्रिंट है जो साड़ी का कलर है. एंड एक चीज और आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पे साड़ी का जो कलर है बहुत ब्राइट है बट मैट फिनिश में है, वहीं पे ब्लाउज का भी कलर जो है मैट टोन में है. तो बस ये छोटे छोटे टिप्स को अगर आप ध्यान में रखोगे, कभी भी सवाल ही नहीं है कि आपकी स्टाइलिंग रॉन्ग जाएगी, आपको मिक्स मैच करने में प्रॉब्लम होगी. तो मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे, बट आई थिंक मैंने कुछ नए पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किया. जैसे मैं भी मस्ट हैव ब्लाउजेस की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर दो ऐसे ब्लाउजेस होते हैं जो मोस्ट ऑफ द साड़ीज के साथ में आप कंबाइन कर सकते हो. बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी साड़ी बहुत शाइनी मटेरियल की, लाइक सैटिन की है, सिल्क की है, या फिर कोई ऐसा फैब्रिक है जिसमें एक बहुत एक्सट्रीम सी साइन है एंड उसमें बॉर्डर है गोल्ड कलर का या किसी भी कलर का, सिल्वर कलर का, तो ब्लाउज जो है आप बॉर्डर के साथ मैच ना करो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी साड़ी में एक बहुत साइन है. ऊपर साड़ी में एक बहुत ही गॉडी फिनिश का बॉर्डर लगा हुआ है, लाइक गोल्ड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है या सिल्वर कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, एंड अगर आप उसके साथ ब्लाउज को भी सिमिलर मैच करोगे तो ज़्यादा वो चमकीला एंड तड़कीला भड़कीला मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा. तो आपकी जो साड़ी का बेस कलर है उसी से मैचिंग का आपने ब्लाउज भी रखना है. बट अगर आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉर्डर के साथ में साड़ी को मिक्स मैच करने का, यू आर ओके विद इट कि बहुत ज़्यादा गॉडी है एंड आप कॉन्फिडेंटली उसको कैरी कर रहे हो, बट अगर मैं स्टाइलिंग करूँगी एंड मेरी साड़ी में बहुत ज़्यादा एक साइन होगी एंड उसमें एक बहुत ही गॉडी सा गोल्ड कलर का बॉर्डर होगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि ब्लाउज जो है वो गोल्ड कलर का मैं डिच करके सेम कलर के साड़ी के साथ में मिक्स मैच करूँ एंड अपनी ज्वेलरी को, मेकअप को मिनिमल रखूँ. क्योंकि आपने सुना होगा लेस इज मोर. जो आपकी स्टाइलिंग होती है ना, हमें जरूरी नहीं है कि हमने ये भी डाल देना है वो भी डाल देना है. मिनिमल मेकअप ऑलवेज अच्छा लगता है. अगर मैं आज के लुक की बात करूं, आपको मेरा फेस देख के ऐसा लग रहा होगा ना कितना मेकअप किया सालू ने, बट ट्रस्ट मी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाया है एंड मस्कारा लगाया है, दो ऐसे जो होती है ना बिंदी चिपकाई है. कुछ डिफरेंट लुक मुझे आज क्रिएट करना था, वैलेंटाइन डे को लेके शॉर्ट्स शूट करना था एंड एक नेकपीस पहना, बट स्टिल जो मेरा लुक है ना वो बैलेंस लग रहा है. सो इस तरह से चीज़ों को आपको बैलेंस करना है. तो मैंने आप लोगों के साथ 7 टिप्स शेयर किए कि किस तरह से आप अपने साड़ी के साथ में ब्लाउजेस को मिक्स मैच कर सकते हो. प्लीज़ एक वीडियो को शूट करने में बहुत एफर्ट लगती है डियर, बहुत, एंड हमेशा की तरह मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ. अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी स्ट्रगल दिख रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट दो फ्रेंड को अब मेरे चैनल को सजेस्ट करिए. एंड इसी तरह नहीं बोल रही हूँ, मेरी कंटेंट हमेशा कुछ न्यू होते हैं, मैं हमेशा आप लोगों को कुछ न्यू प्रोवाइड करती हूँ. तो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. प्लीज़ कॉमेंट करना एंड लाइक करना. टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय. Love you all.